जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के NCERT बुक के हम लोग 5th चैप्टर समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में AP कहते हैं के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है ये देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है, हम लोगों को ये देखना होगा। लेकिन इसके पहले आप देख लें, आपको पता है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, ये सबको पता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि 3 अंकों की वह संख्या जो 7 से विभाज्य हो, तो अब हम लोग देखेंगे कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। तो 101 में 7 से भाग नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 में जाएगा। तो 105 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, 7 में 7 और 7 × 5 = 35 भाग चला जाएगा 7 में। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद अगर हम 7 इसमें जोड़ते चले जाएं ना, क्योंकि 7 से विभाज्य है, तो अगर इसमें 7 हम जोड़ते चले जाएं तो आगे की संख्याएं हमको मिलती जाएंगी। तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 112 और 112 में फिर 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 119। चूँकि 7 से विभाजित करना है इसलिए 7 हम जोड़ते जाएंगे तो आगे की संख्या मिलती जाएगी। अब हम देखेंगे कि 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है, या तो ऐसे कह लीजिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 7 से विभाजित होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है, लेकिन ये 7 से विभाजित होती नहीं है। तो अब देखिए, अगर 1 घटाएं तो 798 होगा, सॉरी 998 होगा, 998 7 से विभाजित नहीं होगा। 1 और घटा दीजिए तो 997 होगा, ये भी नहीं 7 से विभाजित होगा। फिर इसके बाद अगर हम 996 करें तो भी भाग नहीं जाएगा, 995 करें तो भी भाग नहीं जाएगा, 994 में भाग चला जाएगा, इसमें आप 7 से भाग देकर देखिए, 7 से भाग चला जाएगा। और इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 अंक की है और उसमें 7 से भाग चला जाए। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होगी जो 7 से विभाज्य हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या 994 होगी जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि 105 और 994 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो देखिए, अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे तो पहली संख्या जो है यह 105 है और इसके बाद सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 112 ऋण 105।
तो ये हो जाएगा 7। और आपको पता है कि जो अंतिम पद होता है वो यनवा पद होता है, तो यनवा पद हो जाएगा आपका 994 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखें, आपको फार्मूला मालूम है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर क्या है तो ए एन के जगह पे हम 994 कर देंगे, ए के जगह पे 105 कर देंगे एन माइनस वन, और डी के जगह पे कर दिया जाएगा 7। तो फिर देखें क्या मिलेगा, अब हम लोग 105 को इधर कर दें तो 994 ऋण 105 बराबर एन माइनस वन और इंटू हो जाएगा 7। अब 994 में से आप 105 घटाइए तो देखें, अब ये जो है 994 में से 105 को हमने घटाया तो ये 889 हो गया। अब 7 को हम इधर ला देंगे तो 889 बटा में 7, 7 से डिवाइड कर देंगे 127 हो जाएगा, और ये इजकल टू एन माइनस वन, तो माइनस वन को इधर लाएंगे 127 प्लस वन इजकल टू यन, यानी यन इजकल टू हो जाएगा 128। तो यही आपका आंसर होगा, यानी तीन अंकों के कुल 128 अंक होंगे जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगे, तो तीन अंकों की ऐसी कुल 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा जा रहा है, और एक चीज देखें, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये जो क्वेश्चन इस समय हम बता रहे हैं आपको। कहा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए, प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होंगी, जो 4 का गुणज होगा वो 4 से विभाजित भी होगा, इसको आप याद रखे रहिएगा। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा, तो देखा जाए कि 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 से भाग चला जाएगा, तो 11 में भाग जाएगा, नहीं 12 है, 12 में भाग चला जाएगा, तो 12 हो गया। अब 4 से भाग देना है तो 4 जोड़ते चले जाइए, आगे की संख्या मिल जाएगी आपको, तो 12 में 4 जोड़ देंगे 16, 16 में 4 जोड़ देंगे 20 एंड सो ऑन। अब 250 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 4 से भाग चला जाएगा, तो 250 के पहले 249 है तो 249 में भाग नहीं जाएगा, तो अब 248 है 248 में भाग दीजिए चला जाएगा भाग, तो ये है आपका 248। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर पहली संख्या ए की वैल्यू है 12, अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो 16 ऋण 12 4 हो जाएगा, और जो अंतिम पद होता है वही यनवा पद होता है, और एन की वैल्यू है 248। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपको मालूम है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ए एन के जगह पे 248 हो जाएगा, और ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस वन टी की वैल्यू है 4। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 को हम बराबर के पहले ला देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या मिलेगा, 248 माइनस 12 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 4 हो जाएगा, तो 12 माइनस कर दीजिए 6 हो जाएगा 3, ये हो गया 236 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 4। अब 4 को हम लेफ्ट साइड में ला देते हैं तो 236 अपान 4 इजकल टू एन माइनस वन, अब 4 से आप भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा,
और फिर 4 9 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 59 इजकल टू एन माइनस वन, माइनस वन को आप इधर ला दीजिए तो एन इजकल टू 59 प्लस वन यानी हो जाएगा 60। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, तो कुल 60 गुणज होंगे, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कुल 60 गुणज होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है यन के किस मान के लिए, देखिए यन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, देखें पहली समांतर श्रेणी ये दी हुई है और दूसरी समांतर श्रेणी ये दी हुई है, कह रहा है कि दोनों के यनवे पद समान हैं, तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि यन के किस मान के लिए पहली श्रेणी का यनवा पद और दूसरी श्रेणी का यनवा पद दोनों आपस में समान हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहली श्रेणी का जो यनवा पद है वो ए एन है, तो देखिए ए इजकल टू 63 है और यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे 65 माइनस 63 तो 2 हो जाएगा। अब हम पहले वाली श्रेणी का यनवा पद निकाल दें तो ए एन इजकल टू देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसको हम और सॉल्व कर लें तो 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, तो an इजकल टू हम 2n को पहले लिख लेते हैं और 63 माइनस 2 करते हैं, तो 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 61। तो पहले वाली श्रेणी का यनवा पद निकल गया, अब दूसरी वाली श्रेणी का यनवा पद निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर a इजकल टू 3 है और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ से यनवा पद निकाल लें an इजकल टू तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है, तो ये हो गया आपका an इजकल टू 3 प्लस और ये हो जाएगा 7n माइनस 7 यानी an इजकल टू हो जाएगा 7n और 3 माइनस 7 करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि n के किस मान के लिए पहले वाली श्रेणी का यनवा पद और दूसरे वाले श्रेणी का यनवा पद दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों के यनवे पद को हम आपस में बराबर करते हैं, तो पहले वाली श्रेणी का जो यनवा पद है 2n प्लस 61 है और दूसरे वाले श्रेणी का जो यनवा पद है वह 7n माइनस 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 4 को बराबर के पहले लाते हैं तो 61 प्लस 4 इजकल टू 7n और 2n को अपोजिट साइड में ले जाएंगे माइनस 2n हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 65 हो जाएगा और 7n माइनस 2n ये हो जाएगा 5n, और यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 65 बाई 5 हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए ये 13 हो जाएगा। तो यन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी कि यन का मान क्या होगा, तो यन का मान हमने निकाल लिया 13, तो आपसे यही पूछा जा रहा था, तो जवाब हम लोगों का ये होगा कि अगर पहले वाले श्रेणी का यनवा पद और दूसरे वाले श्रेणी का यनवा पद समान होगा तो यन की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 इन तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महमन इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो
जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।